की वीडियो से आप लोगों को जानकारी देते हैं कि अगर आप लोग डलहौजी, चंबा, खजियार, धर्मशाला या मंडी कुल्लू की तरफ का जुलाई 2023 के एंड में जाने का टूर प्लान बना रहे हैं तो वहाँ पर आज रास्तों की कैसी कंडीशन थी। चलो आइए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। 30 जुलाई 2023 और दिन है आज रविवार का और इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। तो सबसे पहले आज आप लोगों को हिमाचल प्रदेश कुल्लू का आज का वेदर दिखा देते हैं। बिल्कुल जो है ये अच्छी तेज धूप निकली हुई है। कमरे में चलते हैं, बहुत तेज़ धूप है। अगर मैं धूप की बात करूं तो बहुत ही तेज़ जो है इस वक्त ये दोपहर के टाइम में यहां पर धूप है। लोगों ने कल अपनी यात्रा जो है ये डलहौजी से लगभग 40 किलोमीटर और आगे गांव से स्टार्ट की थी और कल शाम को हम पहुंच गए थे कुल्लू में। तो आप लोगों को डलहौजी, खजियार, धर्मशाला या कुल्लू की तरफ आना है तो आज की वीडियो से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि रास्ता जो है वो चंबा से लेकर लगभग कुल्लू तक जो है वो कैसा रास्ता था। सुबह के 4:57 हुए हैं और हम निकल रहे हैं अपने गांव से कुल्लू के लिए। चलो राती हो रही मतलब बरखा और है ये बरखा लगता था नहीं है नहीं गिल्ले रहा है हैं बारंगने गिल्ले थे जगह। अच्छा मेरी दद्दड़ गब है वैसे तो बस एक ही एरिया आज भी है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चंबा से जो पठानकोट की तरफ रास्ता जाता है और जो चंबा से डलहौजी की तरफ रास्ता जाता है। तो अभी मैं लगभग काफ़ी दिनों के बाद जो है ये निकला हूँ तो मैं भी घर में था, हमारे गांव का भी रास्ता बंद हो चुका था और मेरी गाड़ी जो है ये फंस चुकी थी। तो ये यहाँ पर डलहौजी से जो चंबा की तरफ डलहौजी पठानकोट डलहौजी से जो चंबा की तरफ जो रास्ता जाता है ये यहाँ पर बनीखेत के पास भी बंद था जहाँ पर कि अभी हम ये पहुँचे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ जो है ये आ जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है कोई ना ना ये यही है तो फोटो दे सेट दस दे और सेंटर का फटी हट गया रहा फिर ना मिट्टी मुट्टी रोड रोड़ा कितना है देखो वाला अलग पूरा रोड चल ये गया ये थोड़ा देर जंगला खिसक रहा था बाहर आ हां पर वही है ना कि आज जो होया था कल गड्डियां चलने शुरू हो जाती ना देखो बैठे थे सड़क कितने थल्ले जा रही थी वो ईटा उटा ये वो इतने है ना ढेर था कुछ जा रही था थल्ले जा रहे थे खंबा बिजली तारा भी चेंज ना कितने दिया। अच्छा छुड़काई ना सिर तारा ले की क्या कितने था कट मारता हां बैठे ही है जगह ना पर वो है ना कि गड्डी नहीं हल्ला हुंदा ना दुनिया वाला चले ना ना कर दिया डंगा डाल थल्ले है डंगा थल्ले डाल डंगा थल्ले हो यार ना तो उतनी मिट्टी पाई थी ना रोड़ा गया मेरे बाबा मतलब पूरा रोड चले गया। तो अगर आप लोग चंबा से डलहौजी की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आज जो है ये रास्ता खुला है और गाड़ियां जो है ये आ जा रही हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं बनीखेत और बनीखेत से मात्र डलहौजी बचता है यहाँ से 6-7 किलोमीटर। तो अगर आप लोग डलहौजी से चंबा जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है ये रास्ता खुला है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं और बिल्कुल जो है ये रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं है। शिमला चंबा तो हम पहुँच गए हैं पंचकूला में। ये अभी हम पहुँच गए हैं पंचकूला में, ये पठानकोट से डलहौजी और चंबा के रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ पर भी पीछे जो है रास्ता बंद हो चुका था। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये रास्ता बंद हुआ था परंतु यहाँ से भी गाड़ियाँ जो है ये आ जा रही हैं। दिल्ली चंबा दो दिन कट्ठी रही है अब इस रास्ते के ऊपर सबसे ज्यादा जो खराब पॉइंट है वो आता है केरू पहाड़।
अगर ज़्यादा ज़ोर से आजकल के दिनों में बारिश हो जाए तो यहाँ पर जाने के लिए रास्ता बंद होने के चांसेस होते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम पहुँच गए हैं केरू पहाड़ पे। तो यहाँ पर भी रास्ता जो है ये ज़्यादा बंद रहता है। ताजे ना है, है? ताजे ना है। रात की नहीं लगता पता, ये है सब तो खराब है। इतना ना या ढेर लगी जाता होंगे, उम्र उड़ी ज़्यादा बिहेस्तर की गड्डी चढ़ा रही है या ढेर बढ़िया है। तो ज़्यादातर जो रास्ता है वो यहीं पर बंद रहता है, परंतु यहाँ पर भी ये थोड़ा बहुत यहाँ पर मलबा गिरा हुआ था, परंतु बिल्कुल जो है ये रास्ता यहाँ पर भी खुला था और हम यहाँ से भी आगे निकल चुके हैं। तो अगर उतना है आप लोग पठानकोट से डलहौजी खजियार चंबा की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ जा सकते हैं। ये आप लोगों ने देखा कि यहाँ से रास्ता जो है ये बिल्कुल खुला है। अंकी उठ जा, सा क्या टाइम हो गया, सो ही रहा है, पंजाब आ गया है, हैं अंकित, आकसु क्या टाइम हुआ है, सात छत्ती होते हैं, सो ही रहा है, पंजाब भी शुरू हो गया, ये बात है सारी रख दिया था जो नूरपुर तो दुड़ेरे तो नूरपुर निकलता ना, तो शायद बंद है, लगी जाना पता जो है पाया पठानकोट ही जाना थोड़ा वायरस तो खुला ही बंद है। अच्छा बंद है, तो अब हम या तो बाया पठानकोट जा सकते हैं या आगे एक जगह आती है छोटी धार, तो वहाँ से भी हम अगर रास्ता एक यूज करेंगे तो हम फिर दोबारा से नूरपुर में जा सकते हैं। तो आगे चल के देखते हैं, अगर धार से हम नूरपुर जा पाएंगे तो हम धार से नूरपुर ही निकल जाएंगे, क्योंकि पठानकोट जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता जो पड़ जाएगा, और फिर भी पठानकोट से हमें नूरपुर ही घूम के आना है। ये आई छोटी धार ना, ये वाली इतने का ही रास्ता अपना कट कर लेना है ना, ये पता कर लेंगे, अगर ये खुला होगा तो फिर पठानकोट जाने की जरूरत नहीं है ना, अगर बाया पठानकोट गया तो भाई बड़ा बड़ा लंबा हो जाना है, इतने का ही निकलता वो सीधा ही नूरपुर जाए के निकलना है, उसकी पोजिशन पता नहीं क्या रास्ते की, ये भी इस रस्ते गया ना ट्रक, ये बस इस रस्ते जाना ना खुला होना इतना, ये जिथे पंजाब ते हिमाचल स्टार्ट होता ना उत्थे थोड़ा जहा डिस्टर्ब होना, बाकी ये ठीक है रस्ते, ये सीधा सीधा ही है ना, हिमाचल स्टार्ट हो गया ना, फिर दिखो हिमाचल आई है ना 5 किलोमीटर के बाद छोटी धार तो किलोमीटर हिमाचल लोगों ने देखा कि यही रास्ता खुला है और हम जो आइए धार से होते हुए ही नूरपुर के लिए गए हैं, तो इस रास्ते से हम गए तो रास्ता ये बीच में 1.5 किलोमीटर जो आइए खराब था, परंतु ठीक है, इससे भी अगर आप आ जा सकते हैं तो आ जा सकते हैं। आपको क्या टाइम हो जाएगा, अटकत्ती रे मौसम ज़्यादा पंगा रहना है, हार और नूरपुर के बीच में हमें जो है ये बारिश मिली, और इस वक्त हम लोगों ने धर्मशाला कांगड़ा पालमपुर सारा रास्ता क्रॉस कर लिया है, बिल्कुल ये सारा का सारा रास्ता अच्छा था, और अब हम मंडी ज़िले में एंटर हो चुके हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट, वेलकम। तो अब मंडी और कुल्लू का आगे देखते हैं कैसा रास्ता हमें मिलता है। 7:12 हम मंडी शहर में पहुंच चुके हैं, तो यहीं पर अब जो पठानकोट से मनाली कुल्लू मनाली की तरफ जाना हो या चंडीगढ़ की तरफ से कुल्लू मनाली जाना हो तो ये मंडी पे यही पुल के दूसरी तरफ जो है ये रास्ता दोनों रास्ते मिल जाते हैं आपस में। 3:09 हो गया, 3 बजे से पूरे मंडी टच हुए, मंडी पहुंचते ही हमें बहुत ही जोरों से बरसात मिली, सड़क आने का
उस पास तो पूरा ही नहीं आ रहा है ना, और घंटा की पर रुकी आता ये बने हम मंडी बार बाहर ही निकली आया करते ना, ये ऊपर टनल है भी ऊपर ये सुरंग है ये वाली। हाँ चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, ता ही निकली आया करना। ये काम खराब हो गया, मंडी से मंडी और पंडो के बीच में हमें रोक लिया। आपके बच्चे ना बता अपना नाम क्या है, है? बहुत तेज बरसात हुई और यहाँ पर हमें पुलिस वालों ने रोक लिया है। तीसरा नंबर थी हमारी गाड़ी, हमारे से आगे दो गाड़ियाँ रुकी हुई थी और तीसरी गाड़ी हमारी गाड़ी को रोका गया था क्योंकि आगे स्लाइडिंग हुई थी। एक घंटा यहाँ पर रुकने के बाद हमें जानकारी मिली कि यहाँ से एक और रास्ता जाता है जो कि आगे पंडो के पास निकलता है, तो यहाँ पर अभी भी कोई पता नहीं था कि कितना टाइम रास्ता खुलने में लग सकता है, तो 2 से 3 घंटे बता रहे थे। अब किसी के पास भी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं थी कि रास्ता खुलने में तो और कितना हमें लगेगा, तो अगर हम ज़्यादा यहाँ पर रुकते तो और अंधेरा हो सकता था, तो फिर भी रास्ता खुले ना खुले ये प्रॉपर हमारे पास भी जानकारी नहीं थी। तो हम लोगों ने उसी जो गांव का रास्ता था उसी पे जाना जो है वो बेहतर समझा। 1 घंटा रुके था इतने, 3:09 पर रुके थे, 3:09 पर रुके थे, 4:04 हो गए समझिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं हम 7 बजे जो है ये लोकल रूट को निकलते हुए यहाँ पे फिर दोबारा से पंडो में निकल चुके हैं, पहुँच चुके हैं और ये रास्ता भी शायद खुल चुका है, ये गाड़ियाँ जो है ये आना जाना शुरू हो चुकी है। बड़ा ना जाने लगे अल्लो बड़ा ही पिछले हैं, थोड़ी गड्डियों पर चल रही हैं, थोड़ी गड्डियों पर ये नहीं पड़ जाओ ना। कल घर से लेकर कुल्लू तक हमें बिल्कुल जो है वो सही हर जगह पे रास्ता मिला, टोटल मंडी से पंडो के बीच में जो है वहीं पर रास्ता हमें जो है वो बंद मिला था। फोन मालकी से कुल दिखा नंबर नहीं हो करता जो खुले रास्ता की कि आया नंबर क्या है, नंबर नहीं तो ध्यान कितना 90 है लास्ट 81 का। चलो कोई नहीं, मेरे हड़ते हो गए मनाली चंडीगढ़ हरिद्वार। कल हम लोगों ने चंबा से लेकर कुल्लू तक का सफर किया और मंडी और पंडो के बीच में हमें रास्ता जो है वो बंद मिला, काफ़ी देर के लिए रास्ता बंद मिला, बाकी पूरे का पूरा रास्ता जो है वो खुला था। शाम को हम 8 बजे कुल्लू पहुंच गए थे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।